बोट विला स्विमिंग पूल अय्यप्पा नगर नाम का एक गांव था। वहां निरंजन नाम का व्यक्ति स्विमिंग पूल चलाता था, पर क्योंकि वो लालची था इसलिए कोई उसके स्विमिंग पूल पे नहीं आता था। एक दिन निरंजन अपने साथी शिवा से, ये गांव वाले सारे निकम्मे हैं, हमने इतने मेहनत से ये स्विमिंग पूल बनाया और ये लोग महीने के 50,000 देने के लिए भी रोते हैं। बस एक आध धनवान अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं, पर अपना तो लॉस है ना। पता नहीं आप किस दुनिया में हैं, आप ही बताइए, महीने का 50,000 खर्च करके कौन ज्वाइन होगा यहाँ पे। पता है गांव में आपके बारे में क्या सोचते हैं? हैं कि निरंजन के लालच के कारण स्विमिंग पूल खाली पड़ा रहेगा, देखते जाओ थोड़े दिनों में ये यहाँ से अपना डेरा भी हटा देगा। ये बात सुनकर निरंजन, ज्यादा सपने ना देखो बच्चू, देखते जाओ अगले हफ्ते से सब अपने स्विमिंग पूल पर ही आएंगे, तब मैं दिखाऊंगा मेरा कारनामा। सुनकर शिवा, पता नहीं ये सिरफिरा क्या करेगा, मुझे इससे दूर रहना ही बेहतर होगा। निरंजन ने स्विमिंग पूल पर एक बोट विला बनवाया। उसे देखकर लोग बहुत हैरान हुए। निरंजन बोट विला के पास खड़ा होकर, गांव वालों के लिए ये एक अच्छा मौका है, वो भी बिल्कुल मुफ्त, केरला में और विदेशों में दिखाई देने वाले बोट विला आज आपके गांव में आ गया है। इसमें आपके सैर करने का सारा प्रबंध है, देर ना करें, इस मौके का फायदा उठाएं, आइए आइए आइए, कहकर आवाज देने लगा। ये बात सुनकर सब बोट विला की ओर उमड़ने लगे। निरंजन ने सबको एक एक टिकट दिया। दो दिन बाद सुरेश नाम का व्यक्ति बोट विला से बाहर निकलता हुआ वहां खड़ा निरंजन से, निरंजन तुम्हारा ये बोट विला बहुत बढ़िया है, अच्छा चलता हूँ, गुड लक, कहकर जाने लगा। जा कहाँ रहे हो, दो दिन बोट विला में खूब मस्ती किया ना, पेट भर के खाया, बिस्तर पर घोड़े बेचकर सोए, तो पैसे कौन भरेगा, तेरा बाप, दो दिन का कुल मिलाकर 3 लाख रुपए हुआ है, निकालो पैसे नहीं तो तुम्हारा खाल उधेड़ दूंगा। ये सुनकर सुरेश, ये तो सरासर अन्याय है, तुमने ही तो कहा था कि बिल्कुल मुफ्त है, अब पैसे क्यों मांग रहे हो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं भरूंगा। ये सच है कि मैंने कहा था कि ये बिल्कुल मुफ्त है, पर बाद में मैंने मन में सोचा था कि ये केवल मेरे पास स्विमिंग सीखने वालों के लिए है, इसीलिए तुम्हें पैसे भरना होगा। इतना ही नहीं, आप सबको मैंने एक एक टिकट दिया था, उस पर आप सबका हस्ताक्षर भी है, ज्यादा आनाकानी की तो तुम्हारी सारी संपत्ति में हड़प लूंगा, समझते क्या हो। सब लोग निरंजन के पास आए, ये अन्याय है, ये अन्याय है, ये अन्याय है, कह के चिल्लाने लगे। उन्हें देखकर निरंजन, अरे तुम लोगों को जो करना हो करो, अगर कल तक सबने 3-3 लाख रुपए मुझे नहीं जमा किए तो तुम सबकी संपत्ति मेरे नाम कर दूंगा। सब लोग मायूस होकर चले गए। सुरेश ने जाकर एसआई से निरंजन की चाल और कैसे उसने सबको फंसाया सब बताया। तब एसआई बोट विला के पास आया। उसे देखकर निरंजन, नमस्ते एसआई साहब, आइए मेरे बोट विला में 2 दिन ठहरिए, बहुत बढ़िया रहेगा। रहने दो निरंजन, तुम्हारे बोट विला में रहने की मेरी औकात नहीं है, मैं तो बस थोड़ी सी तनख्वाह में गुजारा कर रहा हूँ, मैं लाखों खर्च कहाँ से करूँगा। वो छोड़ो, ये बताओ कि बोट विला के लिए लकड़ी तुम कहाँ से लाए। आप तो जानते ही हैं सर, साथ वाले जंगल से काट कर लाया हूँ, सब एकदम अव्वल दर्जे की लकड़ी है सर, 1-1.5 लाख रुपए का रेंट, भाई ऐसे जगह के लिए उतना रेंट तो होना ही चाहिए। वैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिशन तो तुमने लिया होगा ना। निरंजन डरते हुए, एसआई साहब अपना कोई फॉर्मेलिटीज हो तो बता दीजिए, निपटा लेते हैं, पहले इनके पैसे तो आने दीजिए। अच्छा मुझे रिश्वत देते हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिशन नहीं है, गवर्नमेंट का परमिशन नहीं है, स्विमिंग पूल गैर कानूनी बनाया है, कंज्यूमर लॉ के हिसाब से तुम ज्यादा पैसे लोगों से वसूल कर रहे हो, इन सब के लिए तुम्हें कम से कम 5 साल की सजा मिलेगी, अब तुम्हारे वजह से तुम्हारे पोते पोतियों को भी सजा मिलेगी, चलो थाने। ऐसे ही साहब गलती हो गई, इस बार छोड़ दीजिए, मैं ये गाँव छोड़कर चला जाऊंगा। ये क्या, बोट विला में रहने के लिए लोग लाखों देंगे ना,
उन पैसों से एक अच्छा वकील कर लो। ये सुनकर निरंजन, ना मुझे पैसे चाहिए ना ही ये बोट विला, मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, मैं कहीं और जी लूंगा, कहकर वहां से भाग गया। तब गांव वालों ने एसआई को धन्यवाद किया। वेटर, संबलपुर नाम के गांव में एक ढाबा था। उस ढाबे का मालिक का नाम था आलोकनाथ। उसके पास पंटू नाम का एक वेटर था। वो एक साथ कई प्लेट अपने हाथ में लेकर परोसता था। ये देखने के लिए ही कई लोग कस्टमर वहां पर आते थे। एक बार इसी तरह हाथ में कई प्लेट लेकर वो कस्टमर्स को सर्व कर रहा था। उसे देखकर एक कस्टमर, हमारे गांव में तुम्हारी खूब चर्चा होती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति एक साथ इतने सारे प्लेट कैसे ले जा सकता है, पर अब यहाँ आकर तुम्हें देखने के बाद तुम्हारी प्रशंसा किए बिना मैं नहीं रह पाया, क्या मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? 25 साल का तजुर्बा है सर, आज तक एक भी प्लेट मैंने नीचे नहीं गिराया, बहुत जल्द गिनीज बुक में अप्लाई करने की सोच रहा हूँ। हाँ लीजिए लीजिए, सेल्फी लीजिए। इस तरह उसने सेल्फी लिया। उसी ढाबे में बबलू नाम का एक रसोईया था। वो बहुत बढ़िया खाना बनाता था, पर चूंकि लोग और मालिक पंटू की ही प्रशंसा करते थे तो ये दुखी होता था। पंटू हमेशा बबलू को रोब जताता रहता था। एक दिन बबलू नया कैप और चश्मा पहनकर खाना बनाने लगा। उसे देखकर पंटू, क्यों सिनेमा हीरो बनना चाहते हो या मुंबई का मॉडल, कहां खरीदा? दादा कल ही मैं बाजार से खरीद के लाया हूँ, बहुत दिनों से इन्हें पहनने की इच्छा थी। ये तुम्हें बिल्कुल नहीं जच रहे, मुझे दे दो, आनाकानी करोगे तो नौकरी से निकलवा दूंगा। ये तो अन्याय है, मैं नया जो भी खरीदूं तुम छीन लेते हो। तुम्हें अगर इतना ही पहनना पसंद है तो तुम क्यों नहीं जाकर खरीद लेते बाजार से? क्या सवाल लड़ाते हो, तुम्हें नौकरी से निकालना 5 मिनट का काम है। जो भी पकाते हो तुम उसे मैं परोसता हूँ, तुम जो भी पकाते हो मैं उसे परोसता हूँ, ये बात ना भूलना। मैं चाहूँ तो उसमें नमक मिर्च मिलाकर उसका स्वाद बिगाड़ सकता हूँ, अगर वो कस्टमर खाएंगे तो समझो तुम्हारी नौकरी की जयराम जी की। बेचारा बबलू ने लाचार होकर उसे कैप और चश्मा दिया। अगले दिन उन्हें पहनकर पंटू बड़े ठाट से आया। एक दिन आलोकनाथ, पंटू इस महीने से तुम्हारी तनख्वाह 2000 रुपए बढ़ा रहा हूँ। ये सुनकर बबलू, ये क्या मालिक, मैं भी यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ, जितनी बार उसकी तनख्वाह बढ़ाया इतना मेरा कभी नहीं बढ़ाया आपने, क्यों? खामोश, मालिक के सामने मुंह खोलते हो। वैसे इस ढाबे पर लोग मुझे और मेरे स्टाइल देखने आते हैं, तुम जैसे खाना बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, मैं तुमसे सीनियर हूँ, ज्यादा बोलोगे तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे, खबरदार, कहकर चेतावनी दी। इस बात से बबलू को बहुत गुस्सा आया और उसने तय किया कि पंटो को वो सबक सिखाकर ही रहेगा। बाद में अपने दोस्तों से मिलकर उन्हें अपना प्लान समझाया। अगले दिन एक नया घड़ी हाथ में बांधकर वो काम करने के लिए आया। पंटू ने उस घड़ी को देखा। दादा ये घड़ी मैंने सिंगापुर से मंगवाया है, $10 का है, कृपा करके इसे ना मांग लेना। मुझे वो बहुत पसंद है, चाहो तो तुम्हें बाद में मैं पैसे दे दूंगा, वो मुझे दे दो, ढाबे पर आने वाली लड़कियां मेरे घड़ी को देखकर मुझ पर फिदा हो जाएंगी, कहकर उसे मांग कर ले लिया। यूं वो घड़ी पहनकर अकड़कर लोगों को परोस रहा था। बाद में बबलू मालिक के पास, मालिक आप सब नौकरों को बराबर की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, हर एक का अपना एक हुनर होता है, मैं अगर बढ़िया खाना ना पकाऊं तो लोग दोबारा यहाँ कैसे आएंगे मालिक, जरा सोचिए। क्यों दोबारा तनख्वाह की चर्चा शुरू कर दिया, तुम मुझे नहीं जानते, चुपचाप जाकर अपना काम करो। ठीक है दादा, एक शर्त लगाते हैं, अगले एक हफ्ते में मेरे पकवानों की अगर किसी ने शिकायत की तो मैं नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा। तुमने अगर एक हफ्ते में एक भी बार प्लेटों को नीचे गिराया तो तुम्हें नौकरी छोड़कर जाना होगा, मंजूर है? 20 साल का तजुर्बा है, ऐसा ही सही। अगले दिन बबलू के दोस्त आकर ढाबे में बैठे, तभी पंटू हाथ में प्लेट लेकर
वहां सर्व करने लगा। दोस्तों में से एक, दो मसाला डोसा लेके आना भैया, हमें जरा जल्दी जाना है। वैसे टाइम क्या हुआ है? पंटू तुरंत। अरे तुम बहुत लकी हो, सिंगापुर के घड़ी से टाइम जानने वाले हो, कहकर अपना कलाई मोड़ा। बस सारे प्लेट नीचे गिर गए। ये देख लोग जोर से हंसने लगे। पंटू ने शर्म से सिर झुका लिया। मालिक दंग रह गया। मालिक चिंता ना करें, मैं उसे जाने के लिए नहीं कहूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपके धंधे में नुकसान हो। मैंने ये प्लान उसके घमंड को चूर करने के लिए ही किया था, पर उसके पेट में लात मारने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से आप हम सबको समान दृष्टि से देखेंगे। ये बात सुनकर पंटू, मुझे माफ कर देना दोस्त, मुझे अब अकल आई, आइंदा ऐसे काम नहीं करूंगा। उस दिन से मालिक सबको बराबर देखने लगा।